चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए पूरी खबरें। नमस्कार दर्शकों, हम दिखा रहे हैं आपको पचोर का प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जारी जन औषधि केंद्र। आखिर राजगढ़ जिले के पचोर शहर पर दया दृष्टि मोदी जी की हो ही गई और राजगढ़ जिले का पहला केंद्र बन चुका है भारतीय जन औषधि केंद्र। जी हाँ, जहाँ पर मिलेगी गरीब लोगों को बहुत ही कम पैसे में दवा, तो आइएगा आज ही जन औषधि केंद्र का लाभ लीजिएगा और मोदी जी की हर एक योजना का लाभ लीजिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आप पचोर शहर के रमाकांत शर्मा का यूट्यूब चैनल। हम दिखा रहे हैं आपको तहसील रोड पे मंदाकिनी नगर में खुल चुका है प्रधानमंत्री जी का भारतीय जन औषधि केंद्र। जो दवाइयाँ बाजार में मिलती है वही सेम दवाइयाँ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर मिला करेगी। जो बाजार में 100 रुपये की दवाई है वही दवाई भारतीय जन औषधि केंद्र पर 30 रुपये से लेकर 30% से लेकर 70% तक का डिस्काउंट इस पर मिला करेगा। हम मिलवाते हैं आपको इसके संचालक आशु जैन से। आशु भाई आएँ और बताएं थोड़ा सा, आपको बताओ आप हमारे दर्शकों को, आप बताएंगे किस टाइप का इस पर डिस्काउंट मिलेगा, दवाई कहाँ से और कैसे आती है, इतनी सस्ती आप क्यों देंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गरीब के बारे में चिंता करी है। एक खुशी के संबंध में जो दवाइयों की महंगी मार जो गरीब लोगों पर या आम नागरिक पर पड़ती है उसकी कमी को पूरी करते हुए उन्होंने बीच की जो अंग्रेजी दवाइयों के जो विदेशी कंपनियां हैं, जो कमीशन खोरी टाइप का जो मामला है, उन सबको ख़त्म करते हुए अपने खुद के देख रेख में उन्होंने इन सब दवाइयों की उत्तम क्वालिटी के साथ सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाई हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बच्चे के एलोपैथिक दवाइयाँ, हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह की रोग की दवाइयाँ यहाँ पर आपको 30-70% डिस्काउंट में आपको मिलेंगी। मतलब उनके रेट ही इस तरह के रखें कि वो मतलब मार्केट के रेट से कंपैरिजन में, जैसे कोई दवा आपकी अगर 100 रुपए की है बाज़ार में तो वो अपने यहाँ पर 30 रुपए की मिल जाएगी। इस मौके पर संचालक अश्विन जैन द्वारा अपने माता पिता से दुकान का रिबन कटवाकर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उनके सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव मौके पर उपस्थित रहे। सभी लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए अगली खबर।